हेलो फ्रेंड्स, आप देखना शुरू कर चुके हैं इस यूट्यूब चैनल का वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज ओपन जनरल सिस्टम एंड AWS। इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज में मैं आपको बताता हूं कि AWS या OJS पे कौन कौन से वर्किंग की जा सकती हैं या कौन कौन से इंस्टॉलेशंस की जा सकते हैं। इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरह के ट्यूटोरियल्स मैं डालता रहता हूँ। ये हिंदी लैंग्वेज में ट्यूटोरियल है, तो जो हिंदी लैंग्वेज के हैं उनके लिए इजी हो जाएगा। अभी हम इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ कि AWS जो अमेज़ॉन का क्लाउड सर्विसेज है, इसके ऊपर हम डबल ए पैनल, एक कंट्रोल पैनल जो है, इसको कैसे इंस्टॉल करेंगे। फ्री कंट्रोल पैनल है, हम ऑपरेटिंग सिस्टम भी फ्री लेंगे। AWS का हम फ्री वाला जो इंस्टेंस जो आपको 1 ईयर फ्री मिलता है इंस्टेंस, वो यूज़ कर सकते हैं। एज वेल एज आप AWS का क्लाउड सर्विसेज जो है, एज कम्पेयर टू अदर VPS प्रोवाइडर जो हैं, उनसे चीपेस्ट है AWS। अगर हमें क्लाउड की अगर बात करूँ, क्लाउड होते हुए, बैकअप होते हुए, दूसरों के कंपेरिजन में चीपेस्ट है जो सर्विसेज AWS दे रहा है। हम सेम सिचुएशन अगर VPS पे हम बैकअप वगैरह के साथ जब जाते हैं, तो हमें थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ेगा। साथ ही साथ अगर कोई कमांड लाइन होगी, तो मैं नीचे आपको इंस्ट्रक्शंस के तौर पे आपको वीडियो में ही आपको दिखता रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, डबल ए पैनल जो है, ये एक कंट्रोल पैनल है, जैसा कि सी पैनल होता है और भी कई सारे पैनल होते हैं जो कि पेड हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम तो फ्री है, लेकिन कंट्रोल पैनल पेड मिलता है। सी पैनल खासतौर से जब हम होस्टिंग किसी का यूज करते हैं, तो आपने सी पैनल देखा होगा। सी पैनल क्या है? पेड कंट्रोल पैनल है, और उसकी हमें ज़रूरत पड़ती नहीं है। वर्डप्रेस के लिए या OJS के लिए इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि आप कंट्रोल पैनल के लिए पे करें। तो जैसे कि हम डबल ए पैनल का थोड़ा फीचर्स में आपको रिव्यू कर देता हूँ। इसमें वो सारी चीज़ें हैं जो एक वर्डप्रेस की या फिर एक OJS की वेबसाइट होस्ट करने के लिए ज़रूरी है। इसमें और भी मैनेजमेंट आप कर सकते हैं। एक बार सर्वर प्रॉपरली चलने लगी, आपकी वेबसाइट प्रॉपरली चलने लगी, तो आपको बहुत ज़्यादा कोई मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती नहीं है। और अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आती भी है, तो आपको उसका सॉल्यूशन इजीली गूगल पे मिल जाता है। इसके अंदर अगर मैं देखूँ, तो वेबसाइट में होस्ट कर सकता हूँ। FTP का ऑप्शन है, डेटाबेस का ऑप्शन है, सिक्योरिटी का ऑप्शन है, क्रॉन जॉब का भी ऑप्शन है, टर्मिनल भी मैं डायरेक्ट एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। जैसा ये डैशबोर्ड दिख रहा है, क्रिएट वेबसाइट, डोमेन मैनेजर, वेबसाइट पाथ, लिमिट एक्सेस, ये सब काफ़ी कुछ इसमें, एक जो बेसिक एक कंट्रोल पैनल में जो चाहिए, जो हमें एक वेबसाइट चलाने के लिए ज़रूरी है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर अवेलेबल हैं। इसके बाहर हमें कोई एडिशनल कोई चीज़ हमें ज़रूरत पड़ती नहीं है। जैसा कि मैं अभी देखो, आप इस पे देखिए, तो मल्टीपल PHP का भी ऑप्शन है। हम मल्टीपल PHP इंस्टॉल कर सकते हैं, उनको चालू कर सकते हैं। ठीक, अब इसका हम देखते हैं इंस्टॉलेशन। इंस्टॉलेशन सेक्शंस में आ गए, तो ये CentOS पे भी बेहतरीन चलेगा, Ubuntu पे भी बेहतरीन चलेगा। इट्स अप टू यू कि आप CentOS डालते हैं या Ubuntu डालते हैं। CentOS में दो वर्जन अभी करेंटली चल रहे हैं, CentOS 8 चल रहा है और CentOS 7 है। CentOS 7 की जो लाइफ है, वो एंड ऑफ लाइफ 30 जून 2024, 2024 तक ये वैलिड है। तो हम CentOS 7 भी इंस्टॉल कर सकते हैं। CentOS 8 में अगर मैं आता हूँ, तो CentOS 8 जो है, ये भी 2024 तक वैलिड है। ये मई तक चलेगा, तो वो जून तक चलेगा, 1 महीने का डिफरेंस है, तो हम 8 भी इंस्टॉल कर सकते हैं। 9 जो है, ये हम स्किप कर सकते हैं, स्ट्रीम लाइन में है। CentOS हम 7 पे इंस्टॉलेशन कर सकते हैं या हम Ubuntu पे इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। जैसा कि AWS के अंदर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की इंस्टॉलेशन की कोई प्रोसेस नहीं करना है, बस आपको ऑपरेटिंग सिस्टम बस चूज करना है कि Ubuntu लेना है या फिर CentOS लेना है। जैसा कि जो मेरे एक्सपीरियंस में जो है, अभी CentOS और Ubuntu दोनों ही अच्छा परफॉर्म करते हैं, जिसमें CentOS जो है थोड़ा सा लाइट वेट है एज कम्पेयर टू Ubuntu। ये रेड हैट कोबाल्ट
को एक्सटेंड करके ओपन सोर्स वर्जन बनाया गया है सेंटोएस। तो हम अभी जो है हम उबंटू के साथ भी हम ट्राई करके उबंटू के साथ ट्राई करेंगे और इस पे कंट्रोल पैनल इंस्टॉल करके देखेंगे। नीचे ये हमें इंस्टॉलेशन के इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, लेकिन साथ में कुछ और इंस्टॉलेशन इंस्ट्रक्शंस हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अब हम आ जाते हैं AWS पे। AWS पे आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, अकाउंट साइन अप कर सकते हैं। साइन अप करने के बाद वो एक बार क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन लेता है फॉर द बिलिंग के लिए, तो आप एक बार कर लें उसको। उसके बाद कुछ गूगल पे आप सर्च करेंगे तो इसमें AWS के फ्री प्लान्स भी अवेलेबल हैं। हम अभी आपको जो बता रहे हैं वो आपका कुछ बिलिंग जनरेट करेगा आपकी कुछ वेबसाइट पे, हमें उस सर्वर पे बता रहा हूँ। आप फ्री वाले जो आपको 1 ईयर फ्री मिलता है EC2 पे, जो 1 ईयर फ्री मिलता है उससे भी आप कर सकते हैं। T2 माइक्रो या T3 माइक्रो जो है वो 1 ईयर के लिए फ्री है, बट मैं आपको जो इंस्टॉलेशन बताऊंगा वो T3 मीडियम या T3 लार्ज पे बताऊंगा ताकि हमारा इंस्टॉलेशन जल्दी हो सके। जैसे स्टार्ट, मैंने लॉगिन कर लिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप स्क्रीन पे देखें तो आपको रीजन चूज करना है, किस रीजन में आपको सर्वर इंस्टॉल करना है। जहाँ के आपके ज्यादा वेबसाइट के जो मैक्सिमम विजिटर्स आपको जहाँ ज्यादा मिलेंगे आप वहां पर उस रीजन को आप चूज चूज कर सकते हैं, जिसमें US रीजन है, एशिया एशिया पैसिफिक रीजन है, यूरोप है, कनाडा है, साउथ अमेरिका है। जैसे हम मुंबई में ज्यादातर प्रेफर करते हैं कि मुंबई का इंस्टॉलेशन हो जाए, क्योंकि हमारे क्लाइंट्स जो हमारी वेबसाइट को ज्यादातर विजिट करेंगे वो मुंबई के हो सकते हैं, इंडिया के हो सकते हैं, तो उनको मुंबई से जो लेटेंसी है वो बहुत ज्यादा फास्ट पे लेगी, तो हम मुंबई से इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। बट मैं अभी जो ट्राई कर रहा हूँ वो सिंगापुर रीजन सेलेक्ट कर रहा हूँ। इससे कोई खास डिफरेंस आपको पड़ेगा नहीं, क्योंकि आजकल वेबसाइट खासतौर से वर्डप्रेस हो चाहे OJS हो, इस वेबसाइट के विजिटर्स वर्ल्ड वाइड ज्यादा होते हैं, तो आप कहीं भी इंस्टॉलेशन करिए वो तो विजिटर्स तो आपको कहीं की किसी को फास्ट लेटेंसी मिलेगी, किसी को स्लो लेटेंसी मिलेगी। अब आपको रीजन सेलेक्ट करने के बाद इसी वीडियो में आपको मैं बीच बीच में इंस्ट्रक्शंस नोट्स के फॉर्म में लिखता चले जाऊंगा। हमें क्या चूज कर रहे हैं, हम सिंगापुर रीजन ले रहे हैं। नेक्स्ट हम आपको EC2 फाइंड करना है। EC2 फाइंड करना है, EC2 कैसे, या तो ये सर्विसेज में आपको EC2 दिख जाएगा या यहाँ हम सिंपल EC2 टाइप कर देंगे। EC2 टाइप कर देंगे तो ये EC2 आ गया, वर्चुअल सर्वर्स इन दी क्लाउड लिखा हुआ आएगा, वर्चुअल सर्वर्स इन दी क्लाउड। मैंने इसका शॉर्टकट भी बना के रखा हुआ है, जो मेरा रिसेंटली विजिटेड है मुझे वहां पर भी दिख रहा है, तो ये मैंने शॉर्टकट स्टार्ट कर लिया। EC2 में आ गया हूँ, सिंगापुर रीजन है, इस रीजन में एक भी मेरे पास इंस्टेंस रनिंग में नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं आपको ट्यूटोरियल में थोड़ा सा रिसर्च करके करके मैं आपको बताऊंगा, सीधे सीधे इंस्ट्रक्शंस नहीं है, मतलब मैंने खुद इंस्टॉलेशन को कैसे फाइंड आउट कर रहा हूँ, कैसे इंस्टॉल कर रहा हूँ, ताकि आपको मान लीजिए कि कोई और फ्री पैनल आता है या कोई नया ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाता है तो आपको दोबारा से कोई ट्यूटोरियल देखने की जरूरत नहीं है, या मुझे दोबारा से वीडियो बनाने की जरूरत नहीं है। जस्ट आप है ना, दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम है या उसका जो भी अपग्रेडेड वर्जन है आप सेम रिसर्च करके आप उसको डाल सकते हैं। लॉन्च इंस्टेंस पे जाते हैं, ये मैं एक इंस्टेंस लॉन्च करने लॉन्च करते हैं। अब जिस क्लाइंट के लिए मैं ये बना रहा हूँ सर्वर, ये एक्चुअली यूज्ड होगा, तो मैं इसको मैं ले लेता हूँ, मैं WA. वो क्लाइंट एक्चुअली सर्वर से व्हाट्सएप मैसेजेस भेजेगा बल्क में, तो मैंने इसका सर्वर का टैगिंग दे दी मैंने। जैसा कि आप कौन सा आपको ऑपरेटिंग सिस्टम डालना है, हमको उबंटू के साथ हम इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर रहे हैं। वैसे फ्री टीयर अवेलेबल है इस पे, 22 पे है, 20 पे है, हम थोड़ा पीछे ही जाते हैं, 20 पे इंस्टॉल करते हैं ना। फ्री टीयर अवेलेबल किस किस पे है,
T2 माइक्रो पे होता है, T1 माइक्रो पे होता है। T2 माइक्रो में 1 GB मेमोरी है, T2 माइक्रो, और एक T3 माइक्रो होता है। T3 माइक्रो अभी इस पे फ्री टीयर अवेलेबल नहीं है, लेकिन फिर भी हम जो है T3A पे हम इंस्टॉल करने की कोशिश करेंगे। T3A मीडियम, ये मैंने सर्वर का कॉन्फ़िगरेशन चूज कर लिया है। ये मेरा ऑप्टिमम सर्वर है, इस पे बहुत हद तक बड़े जर्नल की वेबसाइट या बड़ी वर्डप्रेस की वेबसाइट भी इस पे बहुत इजीली रन हो जाती है। इसके नीचे कहीं ना कहीं सीपीयू को बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ता है इस कॉन्फ़िगरेशन के नीचे, या फिर रैम अगर कम होती है तो भी वो डिस्क पे है ना कैशिंग बनाना शुरू करता है। तो ये एक ऑप्टिमम है जिसमें हमें बहुत ज़्यादा बिलिंग भी नहीं आती। अभी तक का जो मेरा एक्सपीरियंस है T3A मीडियम का, इसमें मैं विंडोज के सर्वर भी चला चुका हूँ, लाइनेक्स के भी चला चुका हूँ, चल रहे हैं। 3,000 के आसपास इस पे, इंडियन रुपीज में 3,000 के आसपास बिलिंग मंथली जनरेट होती है। अगर मैं कंपैरिजन करूँ दूसरे VPS प्रोवाइडर का, तो एज कम्पेयर टू VPS AWS आपको चीपेस्ट पड़ेगा। चीपेस्ट क्यों पड़ रहा है? क्योंकि हम यहाँ पर ज्यादातर चीजें ओपन सोर्स यूज करेंगे। मतलब जैसे AA पैनल जो है हमारा, कंट्रोल पैनल, वो फ्री है। उबंटू हमारा फ्री है, सेंटोएस हमारा फ्री है, तो हम इस पे फ्री चीजें ज्यादा यूज कर रहे हैं। ओजेएस भी हमारा फ्री है, तो हमें यहाँ पर इसमें विद बैकअप भी अगर हम जाते हैं तो 3,000 या 3,200 के आसपास इस पे जनरेट होता है। इट डिपेंड्स कि आपका कंजम्पशन कितना ज्यादा है, फिर भी इट इज रीजनेबल कॉस्ट। अगर मैं दूसरे डेटा सेंटर में जाता हूँ तो ये कॉस्ट, इस हार्डवेयर या इस रिसोर्सेस के इक्वलेंट में 4,000 तक की कॉस्टिंग आती है। नेक्स्ट आ जाते हैं, तो अब यहाँ पर बोल रहा है की पेयर। की पेयर बहुत जरूरी है आपको, यहाँ पर क्रिएट न्यू की पेयर करना है। मैं PPK ले रहा हूँ, पुट्टी पे मैं इंस्टॉल करूंगा, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो मैंने क्या क्या चूज करा, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल EC2 में गया, फिर उसके बाद लॉन्च EC2 करा, लॉन्च इंस्टेंस करा, फिर उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम चूज करा, मैंने उबंटू लिया, फिर इंस्टेंस टाइप लिया, मैंने इंस्टेंस टाइप लिया, देन अब मैं की पेयर बना रहा हूँ। की पेयर में जो फाइल फॉर्मेट है वो .ppk ले रहा हूँ फॉर द पुट्टी, क्योंकि मैं विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में हूँ। की पेयर का नाम यहाँ पर दे दूंगा, यहाँ पर की पेयर का नाम मैं जो भी इंस्टॉल करना चाह रहा हूँ, व्हाट्सएप के नाम से दे दिया, बल्क व्हाट्सएप सेंडर। एक एप्लीकेशन चलेगी इस पे जो बल्क व्हाट्सएप सेंड करेगी। ये क्लाइंट लिए ही बना रहा हूँ, एक्चुअल एक्चुअल सर्वर यूजेबल है ये। जो इसमें मैं IP चूज करूंगा वो चेंज हो जाएगी, तो आप उस IP के जो दिखेगी वो समटाइम्स के लिए होगी, बाद में मैं चेंज कर दूंगा। क्रिएट की पेयर, क्रिएट करने के बाद मैं इस की पेयर को सेव कर लूंगा। सेव कर लिया हाल फिलहाल के लिए। नेक्स्ट आता हूँ नेटवर्क सेटिंग में। मैं एग्जिस्टिंग ही ग्रुप ले लेता हूँ, जनरली मैं क्रिएट करने में बिलीव नहीं करता हूँ, डिफॉल्ट है उसी में मैं जाके अपने अकॉर्डिंग जो भी पोर्ट्स हैं उनको ओपन कर लूंगा। स्टोरेज में 30 GB तक, अप टू 30 GB तक टोटल फ्री है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ ना, फ्री टीयर एलिजिबल कस्टमर कैन गेट अप टू 30 GB ऑफ EBS। तो नेक्स्ट मैंने पुट्टी के बाद की पेयर सेव कर दिया, सेव की पेयर, सेव के बाद नेटवर्क सेटिंग लिया। नेटवर्क सेटिंग्स के अंदर एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप ले लिया मैंने, एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप ले लिया, ठीक
इसमें क्या करता हूँ कि मैं डिलीट करता जाऊँगा, नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप। देन उसके बाद स्टोरेज लेना है मेरे को, 30 GB स्टोरेज फ्री है तो मैं 30 GB ही लूँगा, 30 GB स्टोरेज, 30 GB स्टोरेज। एडवांस डिटेल में इस सच सिर्फ एक ही चीज़ आती है कि अगर हमारा हम टर्मिनेशन प्रोटेक्शन बस हमको इनेबल करना है कि इन केस अगर हम टर्मिनेट करते हैं तो टर्मिनेट होना नहीं चाहिए क्योंकि ये प्रोटेक्शन इनेबल्ड है। इसके अलावा और कुछ ऐसा खास आपको सिलेक्ट करना नहीं होता, बाकी आप पढ़ के भी इसको आप चूज कर सकते हैं। लॉन्च इंस्टेंस करते हैं, थोड़ी देर में आपको थोड़ा सा टाइम लेगा इंस्टॉल होने में। सक्सेसफुली इनिशिएटेड लॉन्च ऑफ इंस्टेंस, इंस्टेंस पे क्लिक करता हूँ वापस। ये मैंने वापस इंस्टेंस पे क्लिक करा, अब ऑलरेडी रनिंग में है बट इनिशियलाइजिंग दिखा रहा है, अभी स्टेटस है ना ओके नहीं आया। जब हमारा ये इनिशियलाइजिंग स्टेटस चेक ओके आ जाएगा, ग्रीन आ जाएगा, देन हम इसके बाद इसको आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे। कुछ कमांड ऐसी हैं जो यहाँ पर मेंशन्ड नहीं है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है व्यू डिटेल्ड इंस्टॉलेशन ट्यूटोरियल, तो हम इसको भी देख सकते हैं, फोरम है ये, क्या क्या बताता है वो देख लेते हैं जब तक ये इंस्टॉलेशन चल रहा है EC2 पे। तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर दिखा रहा है कि 512 MB रैम या 768 MB रिकमेंडेड प्योर पैनल, ये रिकमेंडेशन को हम फॉलो कर सकते हैं। CentOS 7.1 Ubuntu 20 ही करेक्टेड है, हमने 20 ही लिया है, 22 नहीं लिया। क्लीन ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए, यहाँ पर जो है क्लीन ऑपरेटिंग सिस्टम ही मिलेगा हमको इंस्टॉल होकर। अगर उबंटू होता है तो हमें ये कमांड चलानी है। कोई खास इसमें दिया नहीं है, वैसे फोरम है ये इनकी, अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप इस पे फोरम पे डाल सकते हो। अब AWS के अंदर लिनक्स सर्वर को कनेक्ट करने की दो प्रोसीजर हैं, एक तो यहीं से आप कनेक्ट कर सकते हैं, यूजर नेम आपको उबंटू दिख रहा है यहाँ पर, उबंटू ही रहेगा, यहाँ से भी कनेक्ट हो जाता है बट कई बार यहाँ से फेल होने की फेल हो जाता है, नहीं कनेक्ट होता है, या किसी तरह की प्रॉब्लम आ जाती है या एरर आ जाती है। यहाँ से हम क्या कनेक्ट करेंगे, यहाँ से हम कमांड चला के हम अपना AA पैनल जो है उसको इंस्टॉल करेंगे, या और भी जो चीज़ें हमें इंस्टॉल करना है उसको हम इंस्टॉल करेंगे। जैसे फेल टू कनेक्ट योर इंस्टेंस इसलिए भी हो सकता आ रहा हो क्योंकि अभी हमारा इंस्टेंस रेडी ही नहीं हुआ है। ये डबल चेक्ड आ चुका, अब हम ट्राई कर सकते हैं, 2x2 चेक्ड पास आ रहा है, अब हम चेक कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं कि अगर हमारा इससे कनेक्ट नहीं होता तो हम पुट्टी से इंस्टॉलेशन करते हैं। जैसे ही हमारा इससे कनेक्ट नहीं हुआ तो अब हम पुट्टी से ट्राई करेंगे। इंस्टेंस वाला हमने बंद कर दिया, अब हम पुट्टी से ट्राई करेंगे। पुट्टी से ट्राई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मैं आईपी एड्रेस को कॉपी कर रहा हूँ, ये मैंने पुट्टी को ओपन कर लिया, आईपी एड्रेस को पेस्ट कर दिया, ठीक है, पोर्ट 22 ही होगा। यूजर नेम हम जब स्क्रीन आ जाएगी तब SSH पे जाएंगे, ऑथेंटिकेशन पे जाएंगे, ऑथेंटिकेशन में ब्राउज करके एक ऑप्शन दिखेगा, ब्राउज करके जो हमने सेव किया था, जो हमने पीपी के फाइल सेव करी थी
उसको लेंगे, बल्क व्हाट्सएप सेंडर डॉट पीपी के हमने लिया था, ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद सेशन जो हमने आईपी डाल दिया, ओपन, ये कुछ इस तरीके से ओपन होगा। सेंटर में कर देता हूँ ताकि आपको इजीली दिख सके। अब एक चीज और, हम इसके में भी हो सकता है ना कनेक्ट हो, क्योंकि हमने इसमें क्या यूज किया था, डिफॉल्ट सिक्योरिटी सिस्टम यूज किया था ना, डिफॉल्ट सिक्योरिटी, ये सिक्योरिटी में हमने डिफॉल्ट लिया था। तो डिफॉल्ट में इनबाउंड और आउटबाउंड सेलेक्टेड हमें प्रॉपरली करना पड़ेगा। ये मैंने सिक्योरिटी ग्रुप खोला, तो ऑल ट्रैफिक नो, ऑल टीसीपी कस्टम ना करके एनी वेयर IPv4 क्लोज करेंगे, एनी वेयर IPv4 तो मैं डिलीट कर देता हूँ। एड रूल ऑल TCP एनी वेयर IPv4 सेव रूल। अब हमने ये सिक्योरिटी ग्रुप दे दिया कि किसी भी पोर्ट नंबर से 0 to जितने भी पोर्ट नंबर्स होते हैं वहाँ तक सभी से किसी से भी कनेक्ट कर लें। हम यहाँ से भी कनेक्ट करके एक बार ट्राई करते हैं। ये सिक्योरिटी ग्रुप हमने डिफॉल्ट लिया था लेकिन हमने उसको कॉन्फ़िगर ही नहीं किया, तो अब हमने कॉन्फ़िगर कर दिया। मतलब कनेक्शंस की या किसी तरह की पोर्ट की अगर प्रॉब्लम आती है तो हम ये सिक्योरिटी ग्रुप कॉन्फ़िगर करके देखेंगे। जैसा कि देखो हमारा बिना पुट्टी के भी यहाँ पर लॉग इन हो गया, और पुट्टी के साथ लॉग इन करना होगा तो क्या करना होगा ये मैं आपको बता चुका हूँ। पुट्टी ओपन करना है, पुट्टी ओपन करना है, आपके पास कमांड लाइन आ जाएगी। ये आईपी एड्रेस डालना है, आईपी एड्रेस के साथ आपको SSH में ऑथराइजेशन में ब्राउज करके जो आपने पुट्टी फाइल पीपी के फाइल डाउनलोड करी थी वो फाइल सेलेक्ट करना है और कनेक्ट करना है। तो सेम इस तरीके का इन्वायरमेंट आपके सामने आ जाएगा। नेक्स्ट, अब कुछ प्री हमको कमांड चलानी होगी। सबसे पहले हम कौन सी कमांड चला रहे हैं, हम APT लिस्ट अपग्रेडेबल। आप चाहें तो इसमें मैं नोट डाल देता हूं, मैं APT लिस्ट अपग्रेडेबल एक कमांड चला रहा हूं। मैं क्यों चला रहा हूं ये, कि अगर कोई लिस्टिंग, कोई अपग्रेडेबल, कोई ऑप्शंस बचे हों तो पहले हम उसको अपग्रेड कर लें। अब क्या करेंगे हम, सूडो, हम जो भी हमारा अपडेट है उसको अपडेट करेंगे। ये कमांड अपडेट करते जाएंगे, ये मैं कमांड लाइन देते जा रहा हूँ आपको। ये कमांड आपको चलानी है, sudo apt update, ये मैंने इसको अपडेट को चला दिया। ये हमारा अपडेट हो चुका है। नेक्स्ट हम यहाँ पर एक कमांड लिखेंगे cd root, हमारे रूट फोल्डर में ये चला जाए। ठीक है, अब जो हमें यहाँ पर इंस्टॉलेशन की एक डिटेल दी हुई है ये हम कॉपी करेंगे। कॉपी हो गया, मैंने डबल क्लिक करा, कॉपी हो गया, कॉपी कर लेंगे, सेलेक्ट करके कॉपी कर लेंगे। यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया और इंस्टॉल। अब ये बोल रहा है परमिशन डिनाइड। क्यों परमिशन डिनाइड, हमें क्या करना पड़ेगा, परमिशन डिनाइड की प्रॉब्लम बताई, तो हमें यहाँ पर sudo लिखना पड़ेगा। sudo लिख के अब आप पेस्ट करिए, अब आपको परमिशन मिल गई। क्या बोल रहा है, डू यू वॉन्ट टू इंस्टॉल AA पैनल टू रन /www डायरेक्टरी नाउ। मैंने वाई किया और एंटर कर दिया। कौन सी कमांड चलाई मैंने यहाँ पर, कौन सी कमांड चलाई, पहले मैंने sudo लिखा और ये कमांड मैंने एग्जीक्यूट कर दी। ये कमांड आपको ना भी दिखे तो आप, ये मैंने कमांड चलाई है, बस प्रीफिक्स में sudo कमांड लिखा है ताकि हमारी जो परमिशन की प्रॉब्लम है वो ना आए। ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुका है।
इंस्टॉलेशन में जितना भी टाइम ले, जाहिर सी बात है ये रिमोटली इस यूआरएल से अपना इंस्टॉलेशन डाउनलोड कर रहा है, देन उसके बाद इंस्टॉल कर रहा है। थोड़ा सा टाइम टेकिंग तो होगा, बस हमें इस पे अगर कुछ ऑप्शंस पूछता है तो हमें वो ऑप्शंस उसको देना है। अब जैसे यहाँ पर इन्होंने जो है यहाँ तो सूडो लिखा, बट यहाँ सूडो नहीं लिखा। दो कमांड एक साथ चलाई है ना उनने, लेकिन यहाँ तो यहाँ लिखा ही नहीं उन्होंने, जबकि यहाँ पर दोनों जगह लिख देना चाहिए था। और फिर नीचे आए तो नीचे वाले पे सूडो या यम लिखना ही भूल गए। सेंटोएस में भी हमें सूडो कमांड लगानी पड़ती है, बट सेंटोएस में जब हमारा सेंटोएस चलता है तो हमें कुछ इसका इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है, बट सेंटोएस में जो हमने अभी उबंटू में जो पहले अपडेट की कुछ कमांड चलाई थी, ऐसे सेंटोएस पे क्या चलाना पड़ेगी वो मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ। सेंटोएस में आपको सबसे पहली एक कमांड चलानी है अपडेट की, वो कमांड होगी, ये कमांड चलानी है आपको। देन उसके बाद एक कमांड चलानी है डब्ल्यू गेट इंस्टॉलेशन की, डब्ल्यू गेट इंस्टॉल करना पड़ता है सेंटोएस में। फिर ये एक कमांड चलानी है, फिर उसके बाद डब्ल्यू गेट चलाने के बाद आपको सेम सीडी रूट फोल्डर चलाना है कमांड, फिर आपको सीडी रूट चलाना है। देन उसके बाद ये जो कमांड लाइन दिख रही है, ये कमांड लाइन ये कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद पहले आपको सूडो लिखना है, देन उसके बाद ये कमांड लिखनी है, जो कमांड जो यहाँ पर लिखी हुई है उसको कॉपी करके पेस्ट कर देना है। तो सेंटोएस में और उसमें कोई खास डिफरेंस नहीं है, ये तो सिर्फ इंस्टॉलेशन में सिर्फ कमांड चेंज हो रही है और अकॉर्डिंग टू ऑपरेटिंग सिस्टम। ये हमारा इंस्टॉलेशन हो चुका है, अभी यहाँ पर हमें कुछ खास करना नहीं है, बट देखिए यहाँ पर उन्होंने एक दिया हुआ है कि आप इसको ओपन करिए, और ये यूजर नेम पासवर्ड दिया हुआ है, हम इसको अब ओपन करके देखेंगे। ये मैंने कॉपी करा, SSL सर्टिफिकेट हमने सर्वर में इंस्टॉल नहीं किया है, हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ये आ गया। देन उसके बाद एक यहाँ पर यूजर नेम दिया हुआ है, ये मैंने यूजर नेम कॉपी किया। उसके बाद पासवर्ड दिया हुआ है, ये मैंने पासवर्ड कॉपी कर लिया। यहाँ पर हमारा डबल ए पैनल पूरी तरीके से इंस्टॉलेशन हो चुका है। मैं इस यूजर नेम और पासवर्ड को एक जगह क्लाइंट को नोट करके भेज देता हूँ। अब इसमें रिकमेंडेड क्या-क्या चीजें हैं वो मैं आपको बताते चले जाऊंगा। क्लाइंट को भेज दिया है और चला भी गया। ठीक, नेक्स्ट। अब ये पूछ रहा है कि आपको कौन सा NGINX चलाना है। ये एक्चुअली अपाचे सर्वर का ही एक टाइप ऑफ सर्वर है, जो कि आपको
कैशिंग में फायदा देता है। अपाचे में कैशिंग नहीं होती, बट इसमें बहुत अच्छे से के होती है, रिकमेंडेड ऑप्शन दे रहा है। फिर उसके बाद MySQL का ऑप्शन दे रहा है, हमें MySQL डालना है, 5.7 ही है, हम मारिया भी इंस्टॉल कर सकते हैं, तो जो रिकमेंडेड दे रहा है वही कर रहे हैं हम। FTP में कोई ऑप्शन नहीं है। PHP 7.4 डालना है या 8 डालना है, इट्स अप टू यू। PHP MyAdmin हमें इंस्टॉल करना है। DNS सर्वर हम सर्वर पे AWS पे कभी भी इंस्टॉल नहीं करेंगे, और मेल सर्वर भी हम कभी भी इंस्टॉल नहीं करेंगे। कोशिश करेंगे, DNS तो हम करें ही ना, मेल सर्वर तो अकॉर्डिंग टू यूज हम कर सकते, लेकिन सर्वर पे AWS पे मेल चलाने के लिए हमें कुछ और भी कॉन्फ़िगरेशंस करनी पड़ती हैं। तो हम यहाँ पर मेल सर्वर और DNS सर्विस यूज नहीं करेंगे। DNS सर्विस के लिए हम डोमेन वाला, डोमेन जो हमें फ्री में DNS सर्विस देता है, हम उसका इस्तेमाल करेंगे, और मेल सर्विस के लिए भी हम बिजनेस मेल्स का यूज करेंगे। अब कंपाइल भी हम कर सकते हैं और फास्ट वाला भी कर सकते हैं, हम फास्ट वाला करते हैं। ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गया, हमने 5 दिए हैं उसको, एक एक करके इंस्टॉल करेगा। साथ ही साथ हम वापस AWS पे आएंगे। AWS पे हम क्या करेंगे, जो हमारा इंस्टेंस है, ये जो इंस्टेंस है इसका जो स्टोरेज आ रहा है, देखिए स्टोरेज वॉल्यूम आ गया, वॉल्यूम वॉल्यूम का पहला तो हम ऑटोमेटिकली जो बैकअप का सिस्टम है, सिंक्रोनाइज का बैकअप का ऑप्शन है शेड्यूलिंग पे, वो हम बैकअप ऑप्शन ऑन करेंगे। दूसरा हम सर्वर को शटडाउन करेंगे, शटडाउन करने के बाद इलास्टिक आईपी उसको एक अलॉट करेंगे। ये दो चीजें करेंगे, अगर हमारा इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाए तो हम अपनी आईपी चेंज करेंगे। शेड्यूल बैकअप हम रनिंग रनिंग सर्वर पे भी कर सकते हैं। क्रिएट स्नैपशॉट लाइफ साइकिल पॉलिसी, टैग्स की प्रॉब्लम बता रहा है, मतलब हमने इंस्टेंस पे इसको टैग नहीं दिया हुआ है। अटैच्ड है जब अभी हम इसको बैकअप हम स्टार्ट कर सकते हैं। ये इंस्टॉलेशन जो PHP का कर रहे हैं, MySQL का कर रहे हैं और FTP का कर रहे हैं, इट टेक्स टाइम, क्योंकि उसको डाउनलोड करना फिर इंस्टॉल करना ये काफी टिपिकल है। अभी जो है NGINX 1.2.1 इंस्टॉल कर रहा है, देन उसके बाद वो MySQL 5.7 इंस्टॉल करेगा, देन उसके बाद वो प्योर FTP इंस्टॉल करेगा। मैं विथ वर्जन के साथ आपको पास कॉपी कर रहा हूँ मैं। फिर PHP 7.4 इंस्टॉल करेगा, ये फिर PHP माई एडमिन इंस्टॉल करेगा ताकि हम अपने डेटाबेस को मैनेज कर सकें। ये एज कम्पेयर टू और भी जो फ्री कंट्रोल पैनल्स अवेलेबल हैं उसमें ये थोड़ा सा बेटर ऑप्शंस आपको GUI बेस्ड पे ही ऑप्शंस प्रोवाइड करता है। CentOS का भी एक कंट्रोल पैनल आता है जिसकी मैं प्रीवियसली वीडियोस डाल चुका हूँ, वो उसमें थोड़े से ऑप्शंस ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू दिस पैनल, बट उसमें थोड़ा सा आपको प्रॉपरली थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। उसके अंदर आपको ओपन लाइट स्पीड या लाइट स्पीड का इंस्टॉलेशन भी आपको प्रोवाइड करता है CentOS 7। तो आप उसकी मेरी प्रीवियसली जो वीडियो है CentOS के इंस्टॉलेशन का वो आप देख सकते हैं। इसके अंदर लाइट स्पीड का उसने ऑप्शन नहीं दिया,
वर्डप्रेस का या ओपन जनरल सिस्टम का, वो जो इसका के लिए जो मिनिमल जो रिक्वायरमेंट है कि भाई जिसमें सारे काम आपके हो सकें, उसके लिए ये मोर देन सफिशिएंट है। बहुत ज़्यादा आपको पेड में जाने की ज़रूरत नहीं है, या वर्डप्रेस चलाने के लिए भी आपको पेड में जाने की ज़रूरत नहीं है, इसमें सारे काम हो जाते हैं। सिर्फ लाइट स्पीड के लिए आपको पेड एक ऑप्शन है, बट लाइट स्पीड सिर्फ इसलिए होती है कि वो आपकी वेबसाइट को बहुत ज़्यादा फास्टर चलाती है। इसमें ओजेएस को आप बिना लाइट स्पीड के भी काफ़ी फास्टर कर सकते हैं, ऑप्शंस अवेलेबल है। हम वेट कर रहे हैं इंस्टॉलेशन के लिए। अब इसमें एक कॉन्फ़िगरेशन और कर सकते हैं, जो हमने सिक्योरिटी ग्रुप में सारे पोर्ट्स ओपन कर दिए हैं, सिक्योरिटी ग्रुप्स में सारे पोर्ट्स ओपन कर दिए ना, परमिशन एडिट इनबाउंड रूम्स ऑल पोर्ट्स ओपन कर दिए हैं। तो हम क्या करेंगे, ऑल पोर्ट्स ओपन ना करते हुए सिलेक्टेड पोर्ट करेंगे, HTTP करेंगे, HTTPS कर देंगे, या हम एक SHS का कर देंगे, जो हमें ज़रूरी है सिर्फ उतना ही करेंगे। और एक पैनल का पोर्ट नंबर है 7800, इसको कर देंगे 7800, जो हमारा यूज़ हो रहा है वो कस्टम का। Anywhere IPv4, Anywhere IPv4, Anywhere IPv4, Anywhere IPv4 के अलावा आपको, अगर आप मेल सर्वर चलाते हैं तो अलग होगा, DNS चलाते हैं तो, और उसमें हम अमेंडमेंट, बट ऑल पोर्ट ओपन आपको नहीं रखना है, कोशिश रखना है कि ऑल पोर्ट ओपन ना रहे। यहाँ मैंने सेलेक्टेड पोर्ट कर दिया है और इसको मैं सेव कर दूंगा। पीछे आप देखें तो लोड स्टेटस, CPU यूजेस, RAM यूजेस जो है ऑप्टिमम है, मतलब जिस पे आपकी वेबसाइट परफेक्टली रन कर जाएगी, हर तरह की, थोड़ी अगर हेवी भी है तो भी चल जाएगी, बट इससे कम पे लाइट वेट भी अगर कोई आपकी एप्लीकेशन है, या लाइट वेट भी अगर आपका कोई सॉफ्टवेयर है, तो थोड़ा सा दिक्कत करेगा इससे नीचे के रिसोर्सेस पे। अभी प्योर FTP इंस्टॉल कर रहा है। इंस्टॉलेशन ऑफ PHP 7.4, ये भी टाइम टेकिंग है, और हमने अभी तो कंपाइल वाला चूज नहीं किया, फास्ट वाला चूज किया है। तो इट मे बी कि जब हम PHP जब रन करेंगे, फर्स्ट टाइम जब रन होगा, तो वो कुछ लाइब्रेरीज को कंपाइल करना शुरू करेगा, फर्स्ट टाइम, बार बार नहीं करेगा, एक बार वो कर लेगा, फिर उसके बाद काम खत्म। जब फर्स्ट टाइम हम जब कॉल करेंगे तभी वो करेगा। जैसा कि ये कंट्रोल पैनल जो है होस्टिंग प्रोवाइडर्स के लिए ठीक नहीं है, इसमें ऐसा कुछ ऑप्शन दिख नहीं रहा है कि जो होस्टिंग प्रोवाइडर्स के लिए चाहिए होते हैं। तो इंडिविजुअल्स जो आप चला रहे हैं, AWS पे होस्टिंग चला रहे हैं, उनके लिए सबसे बेस्ट है ये।
कमिंग में हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें इसी कंट्रोल पैनल पे वर्डप्रेस या एक ओजेएस की साइट हम होस्ट करेंगे। फ्रेश इंस्टॉलेशन भी कर सकते हैं और पहले से कोई बनी हुई कोई वेबसाइट है उसको डाउनलोड करके इस पे होस्ट कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन आप चेक कर लेंगे। और अपकमिंग में मैं आपको लाइट स्पीड, ओपन लाइट स्पीड पैनल जो है उसके बारे में भी इंस्टॉलेशन बता सकता हूँ, और उस जिसमें ओपन लाइट स्पीड भी होगा। लाइट स्पीड और ओपन लाइट स्पीड में क्या मेजर डिफरेंस है, हमें क्या करना पड़ता है, वो भी डिफरेंस बताऊंगा। लाइट स्पीड से बस ये फायदा है कि आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस की बहुत ज़्यादा फास्टर चलती है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपकमिंग में ये इसके भी ट्यूटोरियल्स आपको मिल जाएंगे। इसी में मैं अभी एक ट्यूटोरियल डाल रहा हूँ जो विंडोज के लिए काम करेगा। विंडोज एप्लीकेशन, जो .NET के एप्लीकेशन डेवलपर हैं, जो विंडोज पे काम करने वाले हैं, उनके लिए विंडोज एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा कि विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे इंस्टॉल्ड होता है, विंडोज का जो सॉलिड कंट्रोल पैनल सीपी है वो कैसे इंस्टॉल्ड होता है, कैसे हम वेबसाइट को होस्ट करते हैं। ये विंडोज का भी अपकमिंग वीडियोज में मैं आपको बताने वाला हूँ। आप मेरी प्रोफाइल के लिए मेरी प्रोफाइल चेक कर सकते हैं मेरी वेबसाइट पे। मेरी वेबसाइट है, यहाँ मैं मेंशन कर देता हूँ, मेरी प्रोफाइल वेबसाइट है ये। इन केस आपको होस्टिंग या सर्वर या किसी तरह की गाइडलाइन चाहिए तो आप मेरी ये फर्म की वेबसाइट है, यहाँ पर मैं अपने टाइप सेटिंग एक एप्लीकेशन है उसका देखा हुआ है। मैंने आपको जैसा बताया था कि ये PHP इंस्टॉलेशन थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेता है, सभी में लेता है, सभी ऑपरेटिंग सिस्टम में या PHP के किसी भी वर्जन में ये थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेता है। हम इसको रीसेट इसलिए नहीं कर रहे हैं कि पीछे हमें बैकग्राउंड में दिख रहा है। यहाँ पर हम करंट CPU का भी देख सकते हैं। उबंटू में हम कैसे देखेंगे टॉप कमांड, तो ये आपको टॉप कमांड बता देगा। टेबल ऑफ प्रोसेस चला के देख लेते हैं। टॉप कमांड उबंटू में होती है। तो हमारी ये प्रोसेस रनिंग में है जो कि चल रही है, अभी काफ़ी प्रोसेस कर रही है। इसमें देखना जो लोड एवरेज सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, ये दिख रहा है लोड एवरेज, ये इम्पॉर्टेंट होता है, ये एक के अंदर अंदर होना चाहिए। अगर आपका 2 कोर है तो 2 के अंदर होना चाहिए, 3 कोर है तो 3 के अंदर, 4 कोर है तो 4 के अंदर। ये मेरा प्रीवियसली जो और भी होस्टिंग चलाते हुए ये एक एक्सपीरियंस है। ये लोड एवरेज जो है जितने कोर है उतने नंबर से कम होना चाहिए, 2 कोर हैं तो 2 से कम होना चाहिए। अगर ये क्रॉस करता है या कभी भी आपको क्रॉस दिखता है, लॉग में क्रॉस दिखता है, तो आपको रिसोर्सेज बढ़ाने की ज़रूरत है। रिसोर्सेज मतलब आपको CPU बढ़ाने की ज़रूरत है और रैम बढ़ाने की ज़रूरत है। उससे पहले आप ये चेक कर लें कि हमारा ये इतना रिसोर्सेज कंज्यूम क्यों हुआ, हो सकता है किसी वजह से कंज्यूम हो रहा हो, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। ये अभी भी इंस्टॉलेशन कर ही रहा है।
ये हमारी क्यू चलती रहेगी जब तक हम पैनल को देखते रहते हैं। यहाँ वेबसाइट का ऑप्शन दिख रहा है, पीएचपी प्रोजेक्ट्स, नोड प्रोजेक्ट, मतलब नोड जेएस की भी हम वेबसाइट्स को हम इसमें डाल सकते हैं। ऐड साइट पेज में भी हम मल्टीपल डोमेन्स भी होस्ट कर सकते हैं, वर्डप्रेस डिप्लॉय भी कर सकते हैं। कैशिंग का इनेबल, कैशिंग करेंटली ओनली सपोर्ट एनजी आईएनएक्स का ऑप्शन है। एफटीपी पे हम एफटीपी का ऑप्शन है, डेटाबेस पे ऑप्शन है। जैसा मैंने आपको अभी बोला था कि इसके अंदर होस्टिंग प्रोवाइडर के अकॉर्डिंग मल्टीपल कंट्रोल पैनल्स का ऑप्शन नहीं है, जो सिंगल यूजर्स हैं उनके लिए बेस्ट है ये। बाकी और भी कई सारी चीज़ें ये दे रहा है जो कि कुछ चीज़ें पेड हैं, सिस्टम हैंडलिंग, एबनॉर्मल लोड बैलेंस, सिंक टूल, वेबसाइट स्टेटिस्टिक्स, ये सब पेड हैं। फ्री वाली जो हैं चीज़ें वो हमने सब इंस्टॉल करके रखी हुई हैं। डिस्प्ले ऑन डैशबोर्ड कर देते हैं कि ताकि ये दिखे। देखिए वहां पर अगर नहीं दिखता है तो हम यहां से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। पेंडिंग इंस्टॉल दिखा रहा है यहां पे, पेंडिंग इंस्टॉल। टर्मिनल जो जैसा हमें सेंटोस पे दिख रहा था वैसा हम यहाँ पर टर्मिनल भी चला सकते हैं प्राइवेट की के थ्रू, अगर हमें पासवर्ड नहीं पता होगा तो। पासवर्ड रीसेट भी किया जा सकता है, पासवर्ड जो है रीसेट भी किया जा सकता है। सिक्योरिटी पोर्ट का ऑप्शन है, जितने पोर्ट्स ओपन करना है हम उतने ही पोर्ट्स ओपन करेंगे, सारे नहीं ओपन करेंगे। विंडोज एप्लीकेशन फायरवॉल भी एक ऑप्शन अवेलेबल है, बट इट इज अ पेड बाय नाउ करने का ऑप्शन बोल रहा है। फाइल्स पूरा मैनेजमेंट दिया हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट ये मैंने अभी और भी कई सारे कंट्रोल पैनल में नहीं देखा है जहां साइज हम कैलकुलेट कर सकें, साइज कैलकुलेट का ऑप्शन दिखा रहा है, हम साइज कैलकुलेट कर सकते हैं। ट्वेंटी फाइव जीबी की रूट डायरेक्टरी है। एप स्टोर देख लेते हैं, मल्टीपल पीएचपी का ऑप्शन है, इंस्टॉलिंग कर रहा है अभी पीएचपी 7.4। इतनी चीजें हमारी इंस्टॉल्ड हो चुकी हैं, सिंपल सा है, इसमें कोई बड़ा टास्क नहीं है। सिंपल अब हम ऐड वेबसाइट करके हम अपनी वेबसाइट को इंस्टॉल कर लेंगे। एफटीपी चाहिए नहीं चाहिए, डेटाबेस चाहिए नहीं चाहिए, हम इस तरीके से इस पे और अप्लाई एसएसएल और एज वेल एज एच टी टी पी टू रिडायरेक्ट एच टी टी पी, इसकी खुद ही वो स्क्रिप्ट लिख देगा। बेटर देन अदर कंट्रोल पैनल जो है सी पैनल में भी इस तरीके के ऑप्शंस जो हैं थोड़ा कंफ्यूजिंग है, उसमें बहुत ज़्यादा ऑप्शंस होने की वजह से यूजर्स के लिए कंफ्यूजिंग है। ये बहुत सिंपल है, ईजी है, आप तुरंत समझ सकते हैं कि कहाँ पर क्या करना है और अपनी वेबसाइट को आप होस्ट कर सकते हैं। फाइल मैनेजर से अपना बैकअप भी रिस्टोर कर सकते हैं, बैकअप साइट का भी एक ऑप्शन है, वीकली बैकअप साइट। बैकअप साइट का भी एक ऑप्शन है, क्रॉन चलाना पड़ेगा इसमें, बट ऑटोमेटिक साइट बैकअप का ऑप्शन इसमें नहीं है जैसा कि हम दूसरे कंट्रोल पैनल में ऑप्शंस को ऑन कर सकते हैं। जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको अपकमिंग जितने भी वीडियो ट्यूटोरियल्स हैं वो आपको मिल सकें। इस वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक्स कर
दें, शेयर कर दें, और किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। गुड नाइट।